दोस्तों एक टाइम था जब हमें रियलमी की तरफ से बजट प्राइसिंग में अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते थे रियलमी सीरीज की तरफ से। बट दोस्तों मैं एक टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अब वो टाइम नहीं रहा। फाइनली दोस्तों रियलमी ने अपना रियलमी 6 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और अगर आप इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखने के लिए इस वीडियो में आए थे तो कृपया आप इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग नहीं दिखाने वाला हूँ। आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोज में अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी और बहुत सारी तारीफें देखने को मिल जाएगी। बट इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन का कुछ फैक्ट बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की प्रोसेसर से। दोस्तों रियलमी 6 में आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक हीलियो G90T का पावरफुल प्रोसेसर, जो कि दोस्तों ऑलरेडी हमें रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिल चुका है। बट अगर दोस्तों क्लॉक स्पीड की बात करें तो रियलमी ने क्लॉक स्पीड को नहीं दिखाया है, क्योंकि जो ये प्रोसेसर है वो अंडर क्लॉक है। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इस स्मार्टफोन का गीगबेंच स्कोर सामने आया था, जिससे कि दोस्तों यह कन्फर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक अंडर क्लॉक प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। यानी कहने का मतलब तो आपको इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो G90T का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, बट इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो एक अंडर क्लॉक है। इसका मतलब आपको ट्रू मीडियाटेक हीलियो G90T का पावरफुल प्रोसेसर देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड दोस्तों मुझे बहुत ही हंसी आ रही है क्योंकि मैं अभी जस्ट रियलमी 6 का लॉन्च इवेंट देखा हूं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन को बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरे की, तो बैक साइड में आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल्स का सैमसंग का सेंसर, जो कि दोस्तों ऑलरेडी हमें रियलमी X50 में भी देखने को मिल चुका है। यानी दोस्तों अगर आप रियलमी का फ्लैक्सी स्मार्टफोन परचेस करते हैं या फिर आप बजट स्मार्टफोन परचेस करते हैं, आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम सेंसर देखने को मिलता है। तो मुझे ये कन्फ्यूजन है कि जिसने रियलमी के फ्लैक्सी स्मार्टफोन को परचेस किया है या फिर जो रियलमी 6 को परचेस करेंगे, तो इसका मतलब बेवकूफ वो लोग हैं जिन्होंने रियलमी के फ्लैक्सी स्मार्टफोन को परचेस किया है, या फिर मैं चालू उन्हें बोलूँ जो कि दोस्तों रियलमी 6 को परचेस करने वाले हैं, क्योंकि प्रोसेसर को छोड़कर बाकी सभी चीज़ आपको सेम रियलमी 6 में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सेम ग्लास बैक का डिज़ाइन देखने को मिलता है। डिज़ाइन यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, बट आपको ग्लास बैक का सपोर्ट यहाँ भी देखने को मिलता है, जिसमें कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि कौन ज़्यादा चालू है और कौन ज़्यादा बेवकूफ़ है, रियलमी ये क्या कर रही है। क्योंकि दोस्तों रियलमी 6 की अगर प्राइसिंग देखी जाए तो रियलमी 6 का जो प्राइसिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर सामने आया है। दोस्तों इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर बात करें दोस्तों रियलमी 6 के बेस वेरिएंट की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 13,000 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस में देखने को मिलती है। एंड इस स्मार्टफोन का 8GB वाला वेरिएंट आपको 16,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। यानी दोस्तों जो रियलमी का बजट स्मार्टफोन था उसकी प्राइसिंग आपको 16,000 रुपये तक पेड करनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपको 16,000 में एक फ्लैक्सी प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए, जैसा कि पोको X2 में है, बट आपको यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक अंडर क्लॉक है। और साथ ही में दोस्तों मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। अब बात करें रियलमी 6 प्रो की, तो रियलमी 6 प्रो का स्टार्टिंग वेरिएंट स्टार्ट होता है 6GB रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज 17,000 रुपये के प्राइसिंग से, जो कि आने वाला स्नैपड्रैगन 720G के साथ। एंड आपको वापस से सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं रियलमी 6 के जैसा ही। अगर इस स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट की अगर बात करूं, तो आपको इस स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट 19,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिलता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मजाक लग रहा है रियलमी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा अमाउंट पेड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे बस इतना ही बताना था। अगर आप समझदार होंगे तो मेरे ख्याल से Redmi Note 9 Pro का वेट करेंगे, क्योंकि Redmi Note 9 Pro में हो सकता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था आप लोगों के लिए कि इस बार Realme ने अपने डिवाइस में अपग्रेड तो किया, बट उसके साथ ही प्राइस को जो था बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि दोस्तों Redmi ने भी अपने Redmi Note 5 सीरीज़ में ऐसा ही कुछ किया था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बट बाद में दोस्तों Redmi Note 8 Pro के टाइम में Redmi ने बहुत ही अच्छा काम किया, और उसमें जो Redmi ने अपना प्रोसेसर दिया था और बहुत ही अच्छी कैमरा दी, जिससे दोस्तों Redmi वापस से एक बहुत ही अच्छी स्मार्टफोन को लॉन्च कर पाई थी। तो मेरे ख्याल से Realme ने वापस वही गलती की है। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
एंड फाइनली दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप कुछ समझ पाए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ लवली डे।